بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وجميع اهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد वलम यकुल्लहू कफ़ून अहद बुज़र्गान मोहतरम बरदरान मिलत और सिलसिले के अज़ीज़ साथियों और हमारी काबिल एहतराम माएँ बहनें और अज़ीज़ बच्चियाँ हज़रत ख़्वाजा मीनुन चश्ती अलैह और हज़रत ख़्वाजा बख्तियार काकी ओशी और अलैह का ज़िक्र खैर चल रहा है सलूक के दुरूस के जिम्न में तो आज इस तस्करे की ये तीसरी किस्त है और आप फरमाते हैं कि एक बेपन समंदर है मारफत उसकी नाली है खुदा कहाँ और बंदा कहाँ सो कहाँ खुदा और कहाँ बंदा इम अल्लाह के लिए है और मारफत बंदे के लिए है फरमाया कि अहले मारिफत ऐसे आफताब हैं जो तमाम आलम पर दरक्शाह हैं और तमाम आलम उनके नूर से मुनवर हैं और रोशन हैं फरमाया कि लोग मंजिल गाहब के नज़दीक सिर्फ़ उस वक्त जा सकते हैं जब नमाज़ में मुकम्मल मुकमल बरदारी करें क्योंकि मोमिन की मेराज यही नमाज है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह के साथ में जो काकी का रकब और ओशी का, का लफ्ज़ आपकी नाम नामी के साथ में इस्तेमाल किया जाता है उसकी वजह क्या है आप हजरत ख्वाजा चिश्ती चश्ती अलैह के जलील क़द्र खुलफा अकाबिर औलिया और अजीमुल क़द्र सूफिया में से थे और बड़े मकबूल बुज़ुर्ग थे तरकी दुनिया और फ़क्र फाका में मुमताज़ थे और याद इलाही में बड़े मुस्तरक और महब थे अगर कोई आपसे मिलने के लिए आता तो थोड़ी देर के बाद जब इफाका होता और आप इसक्राक से इफाक़ी की कैफियत में आते उसके बाद आप आने वाले की तरफ मुतव होते अपनी बात या आने वाले की बात कहकर और सुनकर फरमाते कि अब मुझे माजूर रखो और फिर याद इलाही में मशगूल हो जाते हैं अगर आपकी कोई औलाद फोत हो जाती तो उस वक्त ख़बर न होती थोड़ी देर के बाद आपको ख़बर होती एक रिवायत में है कि आपके पड़ोस में एक बनिया रहता था शुरू शुरू में आप उससे कर्ज़ ले लिया करते थे और उससे फरमा देते थे कि जब तुम्हारा कर्ज तीस दिरहम तक पहुंच जाए तो उससे ज़्यादा मुझको मत देना जब आपको फतूहत हासिल होती तो आप कर्ज़ अदा फरमा देते हैं उसके बाद आपने पुख्ता इरादा फरमा लिया कि कभी कर्ज़ न लूँगा उसके बाद अल्लाह ताला के फ़ल्ल करम से एक रोटी मुसल्ले के नीचे से निकल आती उसी पर तमाम घर वाले गुजारा कर लेते हैं इस बनिए ने ख्याल किया कि शायद हज़रत शेख मुझसे नाराज़ हो गए हैं जो अब मुझसे कर्ज़ नहीं लेते हैं उसने अपनी बीवी को जस्तजु हाल के लिए हज़रत ख्वाजा रमतल आल के घर भेजा हजरत ख्वाजा रहमत ला की अहलिया महतरमा ने सही सही हालत उसकी बीवी को बता दी उसके बाद वो रोटी मिलना बंद हो गई चूँकि आपको मंजान बिल्ला मसल के नीचे से रोटियां मिला करती थीं जिस पर आप के घराने की गुजर अवत थी इसलिए आपको काकी कहते हैं कि काक अफ़ग़ानी ज़बान में रोटी को कहा जाता है और चूँकि आप बिलाद मावरा उ हिंद के कस्बा ओश के रहने वाले थे इसीलिए आपको ओशी भी कहा जाता है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन ओलिया अलिया से मनक़ूल है आप फरमाते हैं के हज़रत शेख मीनुलद्दीन अजमरी रहमत ला ने शेख कुतबुल्दीन रहमत लाँच सौ दरहम तक कर्ज़ लेने की इजाज़त दे दी थी लेकिन जब आप दर्ज कमाल पर पहुँचे तो उससे भी दस्तबरदारी इख्तियार फरमा ली एक रिवायत मनकूल है कि ख्वाजा कुतुबुलद्दीन अपने लबिदाई दौर में नींद के गलबे के बाद थोड़ा सा आराम फरमा लिया करते थे सो लिया करते थे लेकिन आखिरी ज़माने में ये भी बेदारी से तब्दील हो गया हजरत शेख मोहम्मद नूरब्श्श् रहा ने अपनी किताब सिलसिल जहब में आपका जिक्र इस तरह फरमाया है कि बख्तियार ओशी रहमत आड़े वली साल मुजाह व रियाजत में मुमताज़ और खिलबत वज़लत को पसंद करने वाले अपने चिल्लों में कम ख्वाब कम खुर्द कम, कम, कम गो और हमेशा याद इलाही में रहने वाले और बातनी हालात व मुकाशफात में बहुत बुलंद पाया थे एक रिवायत में ये भी मनकूल है कि हज़रत शेख अली सगज़ी रहमत ला के मकान पर एक मजलिस अहबाब गर्म थी ख्वाजा बख्तियार रहमत ला भी वहाँ मौजूद थे और शेख अली एक बुज़ुर्ग हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के लिश्दार और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के हमसाया थे उनका मज़ार भी ख्वाजा साहब के मज़ार के करीब ही वाक़ है इस मजलिस में शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह का ये शहर पढ़ा गया कुछ तगाने, ख़ंजरे रा, हर जमा अज़ैब जाने दीगर आज ख़ंजरे तस्लीम रज़ा के शहीदों को हर घड़ी ग़ैब से एक नई ज़िंदगी आता होती है अल्लाह ताला के तिक्र और अल्लाह की याद में इसगराक का आलम अपने कमाल को पहुंच जाता है और वो अपने ज़िक्र और फ़िक्र में और इसगराक में बेख़ुद हो जाते हैं शहीद हो जाते हैं तो उनको हर लमहे एक नई ज़िंदगी आता होती है और अल्लाह उनके दर्जा को बुलंद फरमाता है। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह इस शेर से उनके ऊपर एक वशद की कैफियत तारी हो गई और चार शबाना रोज़ इसी शहर से आलम तहैर में मुबतला होकर पाँचवीं रात फरमा गए इस दार फ़ानी से मीर हसन देहलवी मरहू ने इसी ज़मीन की गज़ल में इस क़स्से की तरफ इस तरह इशारा किया है जा बरी यकबेत दादा अस्त आँ बुज़ुर्ग आरे ई गोहर जकान दीगर आस्तें इसी एक शहर की बुनियाद पर उस बुज़ुर्ग ने जान दे दी यकीनन यह मोती किसी दूसरी कान का है कश्त गाने खंजरे तस्लीम रा कुछ तगाने खंजर तस्लीम रा हर जमा अज़ैब जाने दी गें खंजरे तस्लीम रज़ा के शहीदों को हर घड़ी गैब से एक नई ज़िंदगी आता होती है ये वाक़ रबी अव्वल की चौदहवीं रात छः सौ तैंतीस हिजरी का है जिसमें आपका विसाल हुआ और उसी साल चौदह शाबानमाज़म को सुल्तान शमसुद्दीन अलतमश रहमत आलह की भी वफ़ात हुई हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहत ने अपनी किताब दलीलफिन में लिखा है कि जुमेरात के दिन अजमेर की जामा मस्जिद में मुझे अपने शेख की कदम बोसी का शरफ़ हासिल हुआ मजलिस में दरवेश मुरीद और अज़ीज़ा अहर शफा हाजिर थे मलकुल मौत के बारे में बातचीत हो रही थी तो आपने फरमाया मौत के बगैर दुनिया की ज़र्र बराबर क़ीमत नहीं यानी आरिफों के लिए मौत एक बेहसी चीज़ है बल्कि मौत एक रुकावट है और हिजाब है अल्लाह ताला के और उनके दरमियान तो फरमाते हैं कि मौत के बग़ैर दुनिया की ज़र्र बराबर क़ीमत नहीं दरियाफ्त किया गया कि ये कैसे फरमाया इसलिए कि मौत एक पुल है जिसे अबूर करके हबीब हबीब से जा मिलता है फिर फरमाया दोस्ती दिल से हुआ करती है न कि जबान से और जो चीज़ें तुम्हें मालूम हैं उनसे खामोशी अख्तियार करो तो अर्श के गर्द तबाफ करने लगों तमाम उरफ़ा और अलिया अल्लाह ताला का ये तरीक़ा रहा है कि अपने बातनी हालात वो अपनी जानिब से मखलूक पर ज़ाहिर नहीं फरमाते के में खुदावंदी वो मखलूक से उसका इजहार करें या अल्लाह ताला किसी और ज़रिए से मखलूक़ पर इसको आयाम फरमा दें चूंकि वो ये समझते हैं कि बातिन का ताल्लुक, बातनी कैफियत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की पोशीदा जात से हुआ करता है तो मेरा ये ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला के से जो भी है वो भी मखलाइ से पोशीदा है और इस बात पर क़ायम रहना अहले मारिफत के लिए ज़रूरी भी हुआ करता है इसलिए हमेशा आरिफा ने हक़ का ये तरीक़ा रहा है कि वो इस पर ध्यान नहीं देते बल्कि उस पर ध्यान देते हैं कि अल्लाह ताला से मजीद तीद और मज़ीद उसकी रज़ा किस तरीक़े से हासिल हो जाए फरमाया कि आरिफ की मिसाल चमकने वाले आफ्ताब की तरह है जिसके नूर से पूरी दुनिया रोशन है फिर फरमाया कि ए दुर्वेश हमें यहाँ लाया गया है हमारी कब्र भी यहीं होगी और चंद रोज़ के अंदर हम सफ़र आखिरत करेंगे उसके बाद हज़रत शेख अली सन्जरी रहमत ला से फ़रमाया हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमत ला ने कि एक तहरीर लिखो कि कुतुबुद्दीन दिल्ली रवाना हो जाए हमने खिलाफत सज्जादा को दे दी और उनका मुकाम अब दिल्ली में रहेगा जब हुक्मनामा मुकम्मल हो गया तो इस फकीर यानी अपनी तरफ़ इशारा फरमा कर कुतुबुद्दीन कुतबुलद्दीन बख्तियार काकी अलैह इरशाद फरमाते हैं कि नाचीज़ को दिया गया इस फ़ीर ने सरे तस्लीम झुका दिया फिर फरमाया आपने कि ज़रा करीब आ जाओ मैं करीब हुआ तो दस्तार कुला मेरे सर पर रख कर ख्वाजा ओस्मान हारूनी का आसा अता फरमाया और खिरका पहना कर क़ुर करीम जानमाज़ और नाले नेता फ़रमाए और फरमाया कि रसूल अक्रम सम की ये अमानत मशाइच्त के ज़रिए हम तक पहुँची है तुम भी उसे जारी रखना ताकि क़्यामत के दिन मशाइ के सामने शर्मिंदगी उठाना ना पड़े इस फ़ीर ने सर झुका दिया फिर दो रकात नमाज़ अदा की उसके बाद हज़रत मुर्शद रहाम ने मेरा हाथ पकड़ा और आसमान की तरफ़ मुंह करके फरमाया अब जाओ सुपुर खुदा अल्लाह ताला तुम्हें मंजिल पर पहुँचाएँ फिर फरमाया कि चार चीज़ें नफ्स का जोहर हैं बड़ी अजीम चीज़ बयान फरमाई आपने कि चार चीज़ें नफ्स का जोहर हैं दुर्वेशी में तमंगुरी पहली चीज़ दोयम भूख में शेर नज़र आना स्वयं गम में मसरूर मालूम होना चहारुम दुश्मन से दोस्ती का मामला करना अव्वल जो आपने इर्शाद फरमाया कि दुर्वेशी में तबंगुरी यानी घर में फ़ख्र फाक़ा है और हालत ज़ार है मालियात की अदम फरहमी से कवर टूट चुकी है घर में इसबाब का फुकदान है लेकिन जब मखलूक में पहुँचते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि नहीं आप तो बहुत मालदार हैं सुभानअल्लाह बड़ा अजीब मर्तबा है सुबहान इसके लिए भी बड़ा बड़ा दिल और बड़ी कैफियत चाहिए दुर्वेशी में तवंगुरी, भूख में शेर नज़र आना कई कई दिनों कई कई वक्तों के फाके हो चुके हैं लेकिन सामने वाले को ऐसा नज़र आता है जैसे आप शिकम शेर हैं ये भी बड़ी अजीम कैफियत है, अल्लाह का बड़ा इनाम है कैसे शुक्र की कैफियत और कैसे कैसे सब्र की कैफियत इन अकाबरीन के साथ वाबस्ता थी स्वयं गम में मसरूर मालूम होना जहाँ के दर्द दिल पर आन पड़े गम के पहाड़ आजमाइशों के पहाड़ टूट पड़े लेकिन मखलूक ऐसा मालूम होता है कि जिससे कोई गम ही नहीं है बुज़ुर्गवार को और बिल्कुल खुश खुर्रम मसरूर हैं और अल्लाह के मुकदर किए हुए फैसलों पर ऐसे राज़ी हैं जैसे ये सब कुछ उनको नेमत की शक्ल में दिया गया हो सहान अल्लाह चहारुम दुश्मन से दोस्ती करना बहुत अजीम कैफियत है अल्लाह जिस शख्स को इस मर्तबे पर पहुँचाए ये बड़ी आजमत वाला मुकाम है फिर फरमाया कि जहाँ भी जाओ किसी का दिल न दुखाओ दिल दुखाना और ये अल्लाह के यहाँ बहुत ही बड़ा गुनाह और शर्यी एतबार से भी गुनाह अजीम है और जहाँ भी जाओ आप फरमाते हैं कि मर्दों की तरह रहो यानी अपने आप को कमज़ोर मत दिखाओ बहिम्मत बाहसला और जमा मर्द दिखाओ अपने आप को ताकि लगे कि तुम एक कवील ईमान और हिम्मत वाले शख़्स हों मैं दिल्ली आकर मुक्म हो गया इसके बाद आप फरमाते हैं हज खाजा कुलबुद्दीन बख्तियार का की और तमाम हुक्काम व आवाम मुझ फ़कीर की जानिब रजू होने लगे चालीस रोज़ नहीं गुज़रे थे कि एक कासिद ये पैगाम लेकर आया कि हज़रत ख्वाजा मीनुलद्दीन चश्ती रहमतल आप आपके रवाना होने के बीस रोज़ के बाद वासिल बहक हो गए इन्ही व अनना रहा अजमीन हज़रत शेख मोहम्मद अक्रम्दसी रहमत ला जो आज से तकरीबन सवा तीन सौ साल क़ब गुज़रे हैं ग्यारह सौ तीस हिजरी में आपने एक किताब तालीफ़ फरमाई अनबार उस आपकी उस किताब से हमने हजरत ख्वाजा ख्वाजान हजरत ख्वाजा माइनद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ला का वानही खाका अख्ज़ किया है आप फरमाते हैं कि हज़रत का नाम नामी हजरत ख्वाजा अलैह। इस किताब की रोशनी में हम हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सवानी खाका आपके सामने पेश करते हैं हजरत का नाम नामी हजरत ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह रहमत हजरत रहमत आल के वालद माजिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन रहमत आल वालद माजिदा बीबी बी उमलबरा अलमसूम माह नूर आपके दो भाई थे और एक बहन थी आपके मुर्शद खाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह थे आपके दो निकाह हुए आपकी जोजय अवल हज़रत बीबी अमतुल्लाह रहमतुल्लाह ला और जोजय दोम हज़रत बीबी बीबीसमत रहमत लाप आपके साहबजादगान में हजरत ख़्वाजा फ़खरुद्दीन अबूैर रहा हजरत ख्वाजा हुसामुद्दीन अबू साल रहमत लाल और हजरत ख्वाजा ज़ियाुल्दीन अबू सईद रहम आल हैं आपकी साहबजादी का नाम नामी बीबी हाफिज़ा जमाल और आपका मजार शरीफ अजमेर में हिंदुस्तान में वाक़ है हजरत ख्वाजा बुज़ुर्ग रहमत हजरत ख्वाजा ओस्मान हारोनी रहमत के मुरीद व खलीफा थे आपने तमाम मशाइ की सहबत पाई थी आपकी विलादत क़ब संजर में हुई जो सन्जस्तान में वाक़ है इस इलाक़े को सीस्तान भी कहते हैं आपका इपिदाई तरबियत का ज़माना जो गुज़रा वो इलाका खरासान में गुज़रा आपके हसब व नसब से मुत्ल सरफाब में आया है कि हज़रत ख्वाजा मोीन चश्ती अलैह सही नसब सादात में से थे और आपका सिलसिले नसब बारह वास्तों से हज़रत अमीर उमन आली करम्ल वजहू से जा मिलता है और शजरा नसब यह है हज़रत ख्वाजा मैनुद्दीन रहमत इब्न सैद गयासुद्दीन हसन सन्जली रहमत इब्न सैद कमालुद्दीन अहमद हसन रहमत इब्न सैद ताहिर रहमतल्ल इबन सैद अब्दुलज़ीज़ रहा इब्न सैद इब्राहिम रहमतुल्लाह ला इबन इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाह आल इबन इमाम मूसा काज़िम रहा इबन इमाम जाफर सादिक रम् इबन इमाम बाकिर रहमतुल्लाह रल इबन इमाम जैनदिन रमतल अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह त इबन अमियमिन व इमामुम्तकीन असदुल्लिब हज़रतली इबन अबी ालिब करम्ल्जहा किताब मतलार के मुसन्फ़ का बयान है कि जब मैं दूसरी मरतबा अजमेर शरीफ पहुँचा तो उस वक्त शेख अलाउद्दीन सज्जादा नशी थे उन्होंने मुझे ख्वाजा बुजुर्ग का सिलसिले नसब दिखाया जो चंद वास्तों से हज़रत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है रिसाला मुनिस अरवाह में भी यही लिखा है व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबी अल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

और पूरी उम्मत मुसलिमा को फैज़िया फरमा एला उनके नूर उनका नूर बा हमारे कलूब की तरफ मंतकिल फ़रमा अल्लाह उनकी नस्बत बा मैए जमी और कमारात के अल्लाह पूरी उम्मत मुसलिमा की तरफ मंतिल फरमा अल्लाह इन अकाबरीन के वसीले में अल्लाह हमारे कलूब को रोशन और मुनवर फ़रमा दें ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين